तो आज नहीं, बंद कर देते हैं आज का टेलीकास्ट। कॉल कॉल में भी चलो। देखो इसमें इंट्रोडक्शन देखें, करेक्टर टेबल ये क्या होता है, ये सेट ऑफ मैट्रिक्स होता है और करेक्टर टेबल सेट ऑफ मैट्रिक्स होता एंड सिमेट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्स के करेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज का कलेक्शन होता है। क्या होता है? तो सिमेट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्स के जो करेक्टर्स होंगे और उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज होगा उसका कलेक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज का कलेक्शन होता है। हो गया। इसके आगे लिखोगे करेक्टर टेबल के द्वारा, करेक्टर टेबल के द्वारा या इसको यूटिलाइज करके सिमेट्री एस्पेक्ट्स, सुनो एस्पेक्ट्स एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बोलो क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? करेक्टर टेबल क्या होता है? यह सेट ऑफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ये सेट है। इसमें बोलता है कि जो करेक्टर टेबल होता है वह सिमेट्री ऑपरेशन या जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं क्या करता है। तो देखो करेक्टर टेबल के द्वारा हम सिमेट्री एस्पेक्ट्स जो होंगे, मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे या उसके रिलेटेड बोलो, ये समझ में आ गया। अब इसमें देखते हैं करेक्टर टेबल जो है वह फोर कॉलम से बना होता है। इच करेक्टर टेबल फोर कॉलम से ये बना रहता है। इसमें देखें तो यहां पे करेक्टर टेबल को
कॉलन, कॉलन की स्पेलिंग लिखो ना तुम लोग। क्या बोल रहे थे? कॉलन की स्पेलिंग COLUNN कॉलम और S, तो कॉलम्स, ठीक है। चलो इसमें अब देखते हैं, सेकेंड कॉलम बन गया हम लोग का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम कहां से आता है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट कॉलम ऑफ करेक्टर टेबल रिप्रेजेंट द मूलिकिन सिंबल। फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, तो मूलिकिन सिंबल्स का यूज करते हैं। सुनो कभी मूलिकिन सिंबल्स सुने हो, क्या क्या होता है मूलिकिन सिंबल्स, क्या क्या होते हैं। और ये जो मूलिकिन सिंबल्स है ये कहां से आता है, तो ये आता है मूलिकिन सिंबल्स, तो यहां पे लिख लेना मूलिकिन सिंबल्स जो है सिंबल्स को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है। और इस पर लिख सकते हैं मूलिकिन सिंबल्स जो है वह फॉलोइंग चार रूल के तहत, फॉलोइंग फोर रूल्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, मूलिकिन सिंबल क्या होते हैं, तो कभी पढ़े होंगे E फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, T फॉर टाइगर और E फॉर एलिफेंट, पढ़े हो A B T E। जनरली तुम लोग दो चीज देखे हो, T और E, A भी देखे किसमें, बीएससी थर्ड ईयर में तुम लोग का टॉपिक था T2G EG1, क्रिस्टल फील्ड थे वहां पे टी यूज की हो, क्या बोलते थे टी में, मतलब क्या होता था, टी मतलब ट्रांजिशन, ट्रिपल ए, ई डबल ए, ठीक, ए सिंगल ए, ठीक है। ऑर्गन डायग्राम भी पढ़े थे उस समय, ऑर्गन डायग्राम में यूज किए थे इसको, ठीक है। ऑर्गेनेल डायग्राम दो डायग्राम होते हैं, एक डायग्राम जो है वो सिर्फ टी और ई के बेस पर एक्सप्लेन किया जाता है, उसका जो दूसरा डायग्राम था वो ए टी और ई के बेस पर एक्सप्लेन किया गया। बी जो है उसको अभी फिलहाल तुम नहीं जान लो, तो बी भी क्या होता है, वो भी सिंगलेट को दिखाता है, ठीक है। तो कैसे आता है ये ए, कैसे आता है ये बी, और कैसे आता है टी, और कैसे आता है ई, इसको अब हम लोग यहीं से देखेंगे। इसके चार रूल हैं, पहला रूल, रूल फर्स्ट, तो रूल फर्स्ट कहता है द डायमेंशन ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट फॉर अ डायमेंशनल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बोल रहा है डायमेंशन के लिए जो अल्फाबेट, अल्फाबेट का यूज किया जाता है, किया जाता है
वह इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के वह इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन के आधार पर दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि यहां पे जो डायमेंशन के लिए अल्फाबेट यूज करेंगे, देखो वहां पे ए ए बी सी डी ई क्या दिखाते हैं, तो डायमेंशन को दिखाते हैं, उसमें बोल रहे हो टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, ट्रिपलेट मतलब थ्री डायमेंशनल, डबलेट मतलब टू डायमेंशनल, सिंगलेट मतलब वन डायमेंशनल, क्लियर है। तो ये आएगा वन डायमेंशनल के लिए, टी आएगा थ्री डायमेंशनल के लिए, और ई आएगा टू डायमेंशनल, क्लियर है। तो ये डायमेंशन के लिए अल्फाबेट का हम यूज करें, वह किसके बेसिस पर होगा, तो वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन के आधार पे है, ठीक है। तो कल देखेंगे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का हम लोग डायमेंशन, ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये आएगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है अगर वन डायमेंशन है, वन डायमेंशनल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, आईआर है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे या तो ए या फिर बी। अगर वन डायमेंशनल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है तो उसके लिए या तो यूज करेंगे ए या तो बी, ठीक। अगर यह टू डायमेंशनल आई आर है तो उसके लिए यूज करेंगे ओनली ई, कैपिटल ई, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं ई। थ्री डायमेंशन है तो उसके लिए यूज करेंगे क्या, तो उसके लिए यूज करेंगे टी। ये समझ में आया, ठीक है। इसे आगे बोलता है इफ वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल आई आर जो है यह प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में यह प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है तो कैपिटल ए का यूज किया जाता है, तो कैपिटल ए का यूज किया जाएगा। दूसरा, इफ वन डायमेंशन या डायमेंशनल आई आर जो है यह प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है, क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, तो बी का यूज करते हैं। ठीक है, कल एग्जांपल निकाल से देखो तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का सी टू बी के लिए निकाले थे क्या क्या था। सी टू बी के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा उसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, उसको बताओ, जो बोल रहा हूं समझ में आया। सी टू बी के लिए जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाले थे, सी
टू जी ये लिखे थे, इसमें ई लिखे थे, सी टू लिखे थे, सिग्मा एक्स वाई लिखे थे, क्या था वाई एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, ये था। और इसमें ऐसा ऐसा किए थे, चार आया था आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री आई आर फोर, ये था। नंबर क्या आया था उसको बोलो तो, वन 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 वन, ठीक वन वन वन, इतना तो आया था। इसके बाद वाला वन माइनस वन माइनस माइनस वन वन माइनस माइनस वन माइनस वन, यस। अब इसके बेसिस पर देखो क्या बोलो, इफ वन डायमेंशनल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेशन है दिख रहे हैं, कहीं पे टू लिखा है, टू लिखा रहेगा तो टू डायमेंशन, कहीं पे थ्री लिखा है, थ्री लिखा रहेगा तो थ्री डायमेंशन, ठीक है, तो देखो, और फोर रहेगा तो फोर डायमेंशन होगा, लेकिन फिलहाल फोर कभी नहीं आता, फिलहाल थ्री तक आएगा, टू आता है वन। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी वन डायमेंशन के अलावा कुछ है इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए, या तो ए आएगा या तो बी आएगा, इसका भी या तो ए आएगा या तो बी आएगा, ये भी या तो ए आएगा या तो बी आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा। कॉलम वन, अरे देखो ये बोला था कॉलम टू है, बोला था ये वाला कल भरे थे, हाँ इसको निकाल रहे हैं, इसके सामने जो भी आएगा वो होगा कॉलम वन, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या बोला, वन डायमेंशन है सबके सब, क्लियर। अब इसको देखो, बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री हो, तो सिमेट्री मतलब प्लस वन, एंटी सिमेट्री मतलब माइनस वन, अगर टू है उस कंडीशन में, प्लस टू है तो सिमेट्रिक है टू डायमेंशन का, माइनस टू है तो एंटी सिमेट्रिक है टू डायमेंशन, क्लियर है, समझ में आ गया। माइनस दिखा मतलब एंटी सिमेट्रिक, प्लस दिखा मतलब सिमेट्रिक। अब इसमें से बताओ मेरे को कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ई है प्रिंसिपल एक्सिस कि सी टू है प्रिंसिपल एक्सिस कि सिग्मा एक्स जेड है प्रिंसिपल एक्सिस कि सिग्मा वाई जेड है प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो सी टू जेड क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे पता चला, कैसे पता चला क्योंकि जेड में है इसलिए, बोलो कैसे पता चला जेड है इसलिए, बोलो जल्दी जल्दी, जेड है इसलिए। चलो ये वाटर क्यों निकाले हो, चलो ये सी टू को ये अभी जेड में है बोल रहे हो, मैं मॉलिक्यूल कैसे रख देता, अब बोलो मैं तुम लोग को बोल दिया था एक्सिस को अब छोड़ दो, बच्चे नहीं रहे, प्रिंसिपल एक्सिस किसके लिए दिया जाता है, हाँ ऑर्डर ऑफ एक्सिस जिसका मैक्सिमम, ठीक है, किसके लिए दिया जाता है, ये याद है बुला कर लो, ये याद है मैक्सिमम एन वैल्यू, और ये क्या होता था मिनिमम एन वैल्यू, क्या बोला है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, बोला प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हैं, सी टू है बस, उसके अलावा और कुछ है क्या,
क्या है? कितने हैं? एक है, सी टू है। अब देखो इसका कोई डिबेट है ही नहीं, क्योंकि उससे कम वाला रहता तब के कंडीशन में इसमें लेते, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन बना? सी टू ही। सिग्मा वाला क्यों नहीं बना? सिग्मा वाला क्यों नहीं बना? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा देखा जाता है किसके लिए? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। क्लियर है? ई ये क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। समझ में आ रहा है जो चीज बोला जा रहा है? तो प्रिंसिपल एक्सिस देखना है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए ही देखोगे, उसके अलावा किसी दूसरे के लिए नहीं। समझ में आ गया ये? चलो बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस आई आर वन के लिए कितना है? प्लस वन। क्या बोलोगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, समझ में आया? इसलिए किसको दोगे? क्या इसके लिए मुलेकिन टर्म सिंबल आएगा? समझ में आया? आई आर टू के लिए सी टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है? सिमेट्रिक है, इसलिए क्या होगा इसके लिए? क्लियर है? सी टू आई आर थ्री के लिए क्या है? एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, क्या आएगा? ठीक है, ये क्या है? क्या आएगा? मतलब रिड्यूसिबल वन जो होगा उसको ए मुलेकिन टर्म सिंबल से दिखाएंगे, ए मुलेकिन सिंबल से दिखाएंगे, आर टू को भी ए से दिखाएंगे, आर थ्री को बी से दिखाएंगे, आर फोर को बी से दिखाएंगे। क्लियर है? बी से क्यों दिखाए? क्या मैं क्योंकि आई आर फोर का प्रिंसिपल एक्सिस एंटी सिमेट्रिक। आंसर ये होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक है। कौन मैं कि तुम? तो कौन? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? तो ए बी सी डी लाना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। इसी में ये तो हो गया सी टू वी के लिए। सी थ्री वी के लिए ये आता है, देखो सी थ्री वी के लिए जब तुम करेक्टर टेबल आई आर रिप्रेजेंटेशन देखने चलोगे सी थ्री वी के लिए, तो क्या आएगा? तो सी थ्री आर वन आर टू आई आर थ्री ये आता है। देखो तुम इसमें देखोगे तो क्या होता है कि सी थ्री थ्री सिग्मा वी किसके केस में आता है? ये कौन सा मॉलिक्यूल के लिए सी थ्री भी होता है? कौन ग्रुप? एनएच थ्री, अमोनिया के लिए होता है। इसके लिए वैल्यू आते हैं ये वन 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 टू, ठीक, और वन माइनस वन और माइनस वन जीरो, ये आता है। ठीक है, आई आर वन का रिप्रेजेंटेशन बोलो मुलेकिन टर्म सिंबल क्या दोगे इसके लिए? क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस है सी थ्री और उस पर है सिमेट्री, इसके लिए बोलो। इसके लिए बोलो बी नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा। क्यों होगा? अभी भी बताया था, इसमें देखो सिर्फ वन वन है इसलिए ए बी देंगे, वन वन है ए बी देंगे, वन वन है ए बी देंगे, वन वन है ए बी देंगे, लेकिन जहां पे टू आया तो वहां पे आ जाएगा ई, ना ए ना बी। अब ई ई के लिए हम सिमेट्री है या एंटी सिमेट्री है तो प्रिंसिपल एक्सिस इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ई, माने ई, चाहे वो सिमेट्रिक हो फिर भी ई, एंटी सिमेट्रिक हो फिर भी। क्लियर है? चलो ये हो गया आई आर टू के लिए ई, ये निकालना समझ में आया? टर्म सिंबल मुलेकिन टर्म सिंबल, तो पहला रूल जो है वो देता है मुलेकिन टर्म को, इधर का अगर हो गया होगा तो मिटा दूं उस साइड का। चलो
अब इसमें दूसरा रूल देखते हैं। रूल टू, रूल टू कहता है सब स्क्रिप्ट जी एंड यू, सब स्क्रिप्ट स्मॉल जी एंड यू एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ आई आर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। ए एंड जी, जी एंड यू का नोटेशन, ए एंड यू का नोटेशन आई आर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के आई या सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। बोलो क्या बोल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सब स्क्रिप्ट जी और यू का जो नोटेशन है उसको जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में दिया जाए। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोल रहा है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर बोलता है और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तब जी देंगे, फॉर एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक तब उसको यू देंगे। क्या बोला, ये समझ में? रूल टू कहता है कि कोई भी सबस्क्रिप्ट है, मुलिकन सिंबल है, इस मुलिकन सिंबल पर सबस्क्रिप्ट जब हम देंगे जी या यू, यह नोटेशन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के आई का जो करेक्टर होगा, आई का जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा, आई क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। क्लियर? बोलो यहाँ पे कहीं पे आई है? आई नहीं है, इधर देखो, इधर देखो, आई नहीं है, इसलिए इसमें ना तो जी देंगे ना तो यू देंगे। आई किसी में नहीं है, इसलिए यहां ना तो जी आएगा ना तो यू आएगा। क्लियर ये चीज? इसमें देखो, इसमें भी आई है क्या कहीं, इसलिए इसमें ए के साथ जी और यू का यूज नहीं होगा। जी और यू का यूज कहां होगा उसको देखो, तो जी और यू का यूज एक जगह पे होता है, जैसे एक हमको सिमेट्री ऑपरेशन मिलता है, एक का ई मिलेगा, सी टू मिला, आई मिला और मिला है सिग्मा एच। ठीक है, इसके लिए देखो आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, आई आर फोर। ठीक है, ये मिला है, अगर ये दिया हुआ है करेक्टर का मतलब क्या, तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए वैल्यू आया है वन 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 वन, वन माइनस वन वन, माइनस वन वन वन, माइनस वन माइनस वन, और है वन माइनस वन माइनस वन वन, ये आया हुआ है इसके लिए। ठीक है, किसका है ये मेरे को पता नहीं, एग्जांपल एक्सप्लेन करना है इसलिए उसको लिख दिया। ठीक, चलो इसके लिए क्या दोगे बोलो, ए की यू, ए की बी की, ई की टी, क्यों सी एक्सिस है, सी एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक है, क्या दोगे, समझ में? अब देखो क्या बोलता है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में आई होना चाहिए, तो आई है इसमें, आई कैसे नहीं है, आई है। अब आई अगर सिमेट्रिक है तो जी लिखेंगे, और अगर एंटी सिमेट्रिक है तो यू लिखेंगे। सिमेट्रिक मतलब प्लस वन की बात कर रहे हैं, और अनसिमेट्रिक मतलब, बोलो
बोल समझ में है। तो दूसरा रूल इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है, क्लियर है ये। रूल थ्री कहता है सुपर स्क्रिप्ट प्राइम एंड डबल प्राइम विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ इरिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच। देखो इसमें बोलता है सुपर स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं प्राइम एंड डबल प्राइम, इसको बोलते हैं डबल प्राइम। दो बार ऐसा बन गया है ना, का नोटेशन आई आर के सिग्मा एच के रिस्पेक्ट में दिया जाता है इसमें फॉर क्या है तो सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए एक बिंदु या प्राइम। और अगर यह एंटी सिमेट्रिक तब डबल प्राइम, समझ में। सिमेट्रिक मतलब प्लस वन की बात किया, एंटी सिमेट्रिक मतलब माइनस वन। देखो ऊपर वाले पर ही बता सकते हैं, सिग्मा एच है, सिग्मा एच के बाद क्या है सिग्मा एच, अगर सिमेट्रिक है तो वन प्राइम देंगे, एंटी सिमेट्रिक है तो बोलो सिग्मा एच का इस पर देखो सिमेट्रिक एक प्राइम, इस पर देखो समझ में, प्राइम देना समझ में। क्या बोला है सिग्मा एच अगर सिमेट्रिक है तो एक प्राइम और अगर एंटी सिमेट्रिक है तो डबल प्राइम, मतलब डबल डैश, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा रूल। चौथा रूल देखें, ये वाला बता दीजिए, चौथा रूल क्या कहता है देखो, रूल नंबर फोर, सब स्क्रिप्ट वन एंड टू सब स्क्रिप्ट वन एंड टू का नोटेशन आई आर के किस बेसिस पर दिया जाता है, एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एन सी टू, एन सी टू के रिस्पेक्ट पर दिया जाता है, एन सी टू के रिस्पेक्ट पर दिया जाता है। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक तो वन, एंटी सिमेट्रिक तो टू, क्लियर है, मतलब प्लस वाला रहेगा तो ये माइनस वाला, ठीक है। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका एग्जांपल देखने के लिए
चलो तुम लोग उसको पढ़े किसमें थी इसको। देखे थे देखो तो किसमें सेफ्टी पढ़े थे, सेफ्टी पढ़े थे ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना सेफ्टी उसमें। और ऑर्गन डायग्राम पढ़े, ऑर्गन डायग्राम उसमें भी टी टू जी ई जी यूज करते थे। कैसे आता है टी टू जी उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप के लिए देखिए ई आता है, 8C3 आता है, 3C2 आता है, 6S4 आता है, 6σD आता है, टी टेट्राहेड्रल पॉइंट, ठीक है। ये तो कहेंगे 1 1 1 1 1 1 कितना पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसका वैल्यू ये है, ठीक। बाकी का 1 1 -1 -1 2 0 0 0 -1 1 -0 -1 -1 अब देखो चार रूल हम लोग पढ़े, ठीक है। चार रूल के बेसिस पर इसके लिए बोलो मुलेकिन टर्म सिंबल क्या है, R1 के IR1 के। इस लाइन में देखो वन डायमेंशन है सबके साथ, इसलिए होगा A। एक एक रूल पे अप्लाई करेंगे ना, A हो गया। इसके लिए देखो प्रिंसिपल एक्सिस यही है, क्या होगा ए होगा। इसके लिए देखो टू है तो क्या यूज करोगे, समझ में क्लियर है ये चीज। चलो अब इसके बाद पहला रूल हो गया, दूसरा रूल में क्या देखे थे हम लोग, तो दूसरा रूल कहा था क्या कहा था, आई हो तो जी और यू दें, आई है क्या इसमें, इसलिए देखना उसमें जब पढ़ते थे तो याद रखो टेट्राहेड्रल का बनाते थे तो टी टू लिखते थे, जी को हटाते थे वहां से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हटाते थे जी को, यू भी हटाते थे क्योंकि यू और जी इसमें नहीं आता बोल दिया था उस दिन जब पढ़ाया था, तो उस समय बोला था ना जी और यू नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसी के कारण नहीं आया क्योंकि यहाँ आई नहीं है, क्लियर है। दूसरा देखो ये तो हो गया इसके बेसिस पर, अगला देखो क्या बोल रहा है, सबस्क्रिप्ट सिग्मा एच, तो सिग्मा एच है क्या इसमें, सिग्मा एच है नहीं है, तो सिग्मा एच है तो ये भी नहीं दे सकते प्राइम हम इसमें, क्लियर है। अगला देखो 1 और 2 सबस्क्रिप्ट देंगे किसके बेसिस पर, NC2, ये है NC2, NC2 में क्या है बोलो, 1 है मतलब क्या है, सिमेट्रिक, ठीक सिमेट्रिक है तो यहाँ से क्या लिखोगे, A1,
ठीक। यहाँ बोलो ये क्या है, सिमेट्रिक क्या होगा, वन। यहाँ देखो टू है, टू है दो, माइनस में कि प्लस में, प्लस में, क्या लिखूंगा, ये माइनस में दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है, क्या होगा यहाँ, क्या लिखूं, किसके बेसिस पर, एन सी टू के बेसिस पर, एन सी टू यही है, एन ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया सब्सिडियरी एक्सिस, इसके बेसिस पर अगर प्लस में वैल्यू है तो वन 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 होगा, माइनस में वैल्यू है तो टू। इसीलिए उसमें जब स्प्लिटिंग कराते थे तो क्या करते थे, ऐसा और यहाँ लिखते थे ई यू और ई लिखते, तो ई लिखो चाहे ई वन लिखो क्या अंतर है, क्लियर है, समझ में आए, तो E1 और B2 जो लिखते थे वो कहां से आता है, यहीं से आता है, ठीक। किसी को कुछ कंफ्यूजन, अब देखो इसके लिए एक तो इसमें बहुत बता देता हूं, ये तो बहुत बड़ा है, ऑक्टाहेड्रल का अगर देखोगे तो बाकी ऑक्टाहेड्रल में आता है D2G G1G ये सब, वो कहां से आता है उसको देखो, ऑक्टाहेड्रल पढ़े हो ना, ऐसा स्प्लिटिंग करते थे, इसको बोलते थे टी टू जी और इसको बोलते थे टी, ऐसा बोलते थे, ये कहां से आता है, तो ये देखो टी आया समझ में आया, टू आया समझ में आया, जी क्यों आया उसमें, हाँ क्योंकि आई प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसका पॉइंट ग्रुप देखोगे तो उसमें आई उपस्थित रहता है, इसमें ओ के पॉइंट ग्रुप देखोगे उसमें, ठीक है, तो उसके लिए लिखवाया था, तो देखो लिखवाया था वो पहले ही ऑक्टाहेड्रल का लिखवाया था ना पूरा कंबाइन करके कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो उस कंडीशन में आई लिखा रहा होगा, देखो तो आई अगर क्या रहे, प्रेजेंट रहे और आई प्रेजेंट है प्लस है तब जी लिखेंगे और माइनस है तो वो समझ में क्या, ठीक। तो इस प्रकार से कॉलम वन को हल किया जाता है, कॉलम टू अब दूसरा देते हैं इसमें, कॉलम टू ये मिटा दूं इसको, दूसरा है सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम जीओटी के बेसिस पे बनता है, ये तो समझ में आ गया, किसके बेसिस पे, जीओटी के बेसिस पे, ठीक है, तो जीओटी के बेसिस पे बनेगा दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम के लिए बोलता है थर्ड कॉलम ऑफ कैरेक्टर टेबल रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, तो यहाँ बोल सकते हैं कॉलम थ्री, थ्री यहाँ पे थर्ड कॉलम क्या हुआ, सेकेंड कॉलम कल पढ़ चुके हो और जीओटी पढ़ाया था, तो पूरा पूरा यही घुसाना है, अगर करेक्टेड टेबल क्वेश्चन आता है तो पूरा पूरा यही पे उसको घुसाओ, ठीक है, चलो ये कॉलम थ्री, तो कॉलम थ्री में क्या होता है, कॉलम थ्री करेक्टर टेबल में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एक्स बाय जेड एंड रोटेशनल, जिसको हम लोग दिखाते हैं आर एक्स आर वाई एंड आर जेड, आर एक्स आर वाई एंड आर जेड
एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो कॉलम होता है उसमें करेक्टर टेबल में यह सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। इसका किसका सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो किसका किसका, ट्रांसलेशनल एनर्जी और है रोटेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यह क्या होगा तो ट्रांसलेशनल एनर्जी को दिखाएगा, और आर एक्स आर वाई और आर जेड है तो वह दिखाएगा रोटेशनल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो इस बेसिस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, तो सी टू बी का ही देखो, सी टू बी में लिए हो तो सी टू बी का सी टू बी में कौन कौन से आए थे, ई आया था, सी टू आया था और सिग्मा एक्स जेड आया था और सिग्मा वाई जेड ये। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये कॉलम नंबर वन था, वन नंबर कौन था, ये वाला कॉलम नंबर टू था, और इसको दे देता हूं मैं कॉलम नंबर थ्री और ये होगा कॉलम नंबर फोर। ठीक, चलो इसका वैल्यू जो आया था उसको बता दो मेरे को, तो आया था वन 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 वन, इसको क्या लिखे थे, ए वन ए टू वन बी, यस टू लिखे थे कि नहीं लिखे थे, टू लिखे कि नहीं लिखे, वन और टू किस बेसिस पर लिखे थे, वन और टू देखो एन सी टू के बेसिस पर, और अगर यहाँ पे लिख लो एन सी टू अबसेंट है, एन सी टू क्या हो अबसेंट हो, तो ये किस बेसिस पर लिखा है, खाओ ठीक है, यहाँ पे लिख लो इफ एन सी टू अबसेंट देन एन सिग्मा बी के बेसिस पर यह दिया जाए, सिमेट्रिक तो ये और एंटी सिमेट्रिक, अगर एन सी टू अबसेंट रहेगा तो किसके बेसिस पर दिया जाएगा, एन सिग्मा वी के बेसिस पर दिया जाएगा। तो देखो एन सिग्मा वी ये वाला कंसीडर करेंगे, शुरू जो रहेगा जस्ट उसका, ठीक है, तो इसके बेसिस पर देखो वन, इसके बेसिस पर माइनस वन है, माइनस वन है मतलब माइनस, तो टू, ठीक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एडिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए रहना अगर एन सी टू अबसेंट है तो उसके जगह पे एन सिग्मा वी को देखना है, ठीक है, और कहां से देख के चलोगे, किनारे से देख के चलना है उसे। अब इसमें तुम बोलोगे कि वाई जेड के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो वाई जेड के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन सेलेक्ट किसको की हो उसको देखो, किसको सेलेक्ट, इसके बेसिस पर है वो वन, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखो क्या होता है, तो थर्ड कॉलम में बोला जाता है, तो थर्ड कॉलम के लिए निकालोगे तो ये आएगा जेड आर जेड एक्स आर वाई वाई आर एक्स, जो थर्ड कॉलम में क्या क्या आया उसको बोलो, ए वन के लिए आता है जेड, ए टू के लिए आता है आर जेड, बी वन के लिए आता है एक्स और आर वाई, और है B2 के लिए आता है Y और RX, ठीक है, एक्सप्लेन करो उसको, Z क्या है, हाँ क्या बोल रहे हैं किसमें, तो यहां पे बोल सकते हो A1 में जो है क्या बोलोगे, जेड आ रहा है, इसका मतलब जेड एक्सिस का जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा उसका सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या बोलोगे, ए वन में जेड एक्सिस का ट्रांसलेशनल एनर्जी का सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है,
दूसरा इसके लिए क्या बोलोगे बोलो ए टू के लिए आर टू के लिए रोटेशनल एनर्जी जेड एक्सिस का सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया। अगला बी वन के लिए ट्रांसलेशनल रोटेशनल नहीं, x का ट्रांसलेशनल, y का रोटेशनल एनर्जी का सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वहां जो लिखा है उस चीज को बोलो, क्या लिखा है, x लिखा है तो x एक्सिस का, y लिखा है तो y एक्सिस का। समझ में आया। तो क्या बोलोगे B1 में x एक्सिस का रोटेशनल एनर्जी, हाँ ट्रांसलेशनल एनर्जी, और y एक्सिस का रोटेशनल एनर्जी में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, ये जो बोल रहे हैं ना इसको वर्ड में लिख लो नीचे, ठीक है। A1 के लिए क्या होता है, A2 के लिए क्या होता है, A3 के लिए क्या होता है, B2 के लिए क्या होगा। अब समझ में आया ये कैसा होगा। तो इस बेसिस पर इसको थर्ड कॉलम को एक्सप्लेन किया जाता है। आगे बढ़ू मैं इससे, उसको समझ समझ कर लिखो, जो बोला वही चीज लिख रहे हैं। वहां क्या लिखोगे, ए वन के लिए जेड एक्सिस के ट्रांसलेशनल एनर्जी का सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया पहला का। वैसे दूसरा का तो दूसरा में लिखोगे, क्या लिखोगे, जेड एक्सिस के रोटेशनल एनर्जी का सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लिखो, घर में जाओगे फिर क्या बोले थे ये भूल जाओगे, पहले बता दे रहा हूं। ए वन में जेड एक्सिस के रोटेशन ट्रांसलेशनल एनर्जी का सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो कॉलम थ्री क्या दिखाता है बोला था कल मैं, उस दिन कल ही तो बताया था ना, तो बताया था कि वह ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी में जो चेंज होता है उसको बताने बताएगा, ऐसा बोला, तो वही चीज यहाँ पे बताता है। चलो जल्दी जल्दी करो, thank you.
ए साइड हो गया, मिटा दो इस साइड को। कॉलम फोर, देखो कॉलम फोर में लिख लेना, करेक्टर टेबल का जो फोर्थ कॉलम होता है वह यहां पे लिखना वह एक्स वाई जेड के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज को बताता है। क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है, किसका क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्स वाई और जेड का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट सुने हम, क्वाड्रेट तुम लोग बॉटनी का प्रैक्टिकल करते थे, क्वाड्रेट पकड़ के जाते थे लेकर के फेंकते थे, क्या होता है क्वाड्रेट, जिसमें चार भुजाएं हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेट। मतलब फंक्शन बोल रहे हैं तो ऐसा फंक्शन जिसमें चार क्या हो, विमाएं, ठीक है, मतलब जिसमें चार प्रॉपर्टीज हो, ऐसा समझ। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, में क्या करता है, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज को बताता है, उसके सिमेट्री में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके प्रॉपर्टीज को बताता है, ठीक है। चलो ये वाला भी इसको फिर बना दिया, लेकिन मैं नहीं बना रहा इसको, देखो तो ये वाला ऊपर वाला नहीं बनाना है, हटा दो इसको, फिर से बना इतने इसके नहीं, और यहां से लिखोगे x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पहले वाले में रहेगा ए वन के लिए, दूसरे वाले के लिए लिखोगे एक्स वाई, तीसरे वाले के लिए लिखोगे एक्स जेड और चौथे वाले के लिए लिखोगे वाई जेड। कॉलम वह एक्स वाई जेड के क्वाड्रेटिक फंक्शन में चल हो गया, क्या बोलोगे बोलो, पहला के लिए A1 के लिए A1 के लिए क्या बोलोगे,
क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और है वाई स्क्वायर और है जेड स्क्वायर। तो ए वन के लिए देखो क्या बोलोगे, एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड, ऐसा लिख सकते हैं इसको, जो स्क्वायर लिखा है उसको। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर। तो सीधा सीधा देखो क्या बोलोगे, जैसे उसके लिए बोले थे ए वन के लिए एक्स इंटू एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या बोले, ए वन के लिए एक्स इंटू एक्स या फिर सीधा सीधा एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो उसको, लेकिन एक्स इंटू एक्स बोल रहे हो तो देखो इसमें क्या आएगा, एंगल जो लोगे एक्स इधर का एक्स इधर का, इन दोनों में क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है ए वन के। वाई के लिए देखो, ए वन के वाई में तो ये वाला है, तो इधर भी और इधर भी दोनों एंगल में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा इन दोनों में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ में आया। और देखें तो जेड इंटू जेड, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, मान लो ये मॉलिक्यूल है तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ऐसा ही ये वाई, ये वाई माइनस वाला, तो वाई वाई में चेंज हुआ, एक्स एक्स में चेंज हुआ, जेड जेड में, मतलब दोनों में चेंज दिख रहा है। क्लियर है, तो इसलिए उसको क्या लिखा है, एक्स इंटू एक्स या फिर एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, मतलब समझ में। तो सीधा सीधा क्या बोलोगे, ए वन के लिए एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई एंड जेड इंटू जेड के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ में, पहले अलग अलग बोल दिया था उसको समझाने के लिए, लेकिन ये कि इसमें सब में परिवर्तन होता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होगा, क्योंकि देखो एक्स एक्स भी हो रहा है, वाई वाई भी हो रहा है, जेड जेड भी हो रहा है। क्लियर है, तो ए वन के लिए सभी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होंगे, लेकिन विद पर्टिकुलर उसको बताना है, या तो एक्स इंटू एक्स लिखोगे या तो एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है, ये दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लिख देना, एक्स इंटू एक्स आर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स आर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, वाई इंटू वाई आर वाई स्क्वायर एंड लिखोगे जेड इंटू जेड आर जेड स्क्वायर के, के क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ में आया, ऐसा लिखो, बोलो जेड टू के, ए टू के लिए क्या लिखोगे, तो यहाँ पे एक वर्ड डाल देना देखो, तो ओनली क्योंकि एक ही है, एक ही है, इसलिए क्या लिखोगे, ओनली x इंटू वाई के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ में आया। उसके बाद देखो b1 में क्या होगा, ओनली z सॉरी x इंटू जेड के, हाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसा ही b2 में देखोगे तो क्या लिखोगे, ओनली y और z के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हो गया, कितना टाइम हुआ, 12:25, कितना मिनट बाकी है, 35 मिनट, 35 मिनट में एक टेबल और वो हो जाएगा, चलो आज ही खत्म कर देते हैं, लेकिन वो वाला बचेगा जो टेबल वाला, चलो इतना जल्दी जल्दी लिखो, ये कनेक्टर टेबल कंप्लीट, ठीक है। तो देखो चारों कॉलम बना, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हुआ हमारा सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सेकंड कॉलम पहले बनाते हैं हम लोग जीओटी के बेसिस पर, उससे रिलेटेड फर्स्ट कॉलम को बनाते हैं, ठीक है,
उससे, अब देखो इन दोनों से रिलेटेड फिर बनाते हैं थर्ड कॉलम को और सबसे रिलेट करके फोर्थ कॉलम। बोलो क्लियर है ये चीज? तो इस प्रकार से करेक्टर टेबल दिखाते हैं। बोलो क्लियर है? अब देखेंगे ए टू ओनली एक्स इंटू वाई के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओनली इसमें इधर है, ओनली इसमें भी डाल सकते हो, देखो तो इधर देखो ओनली जेड, ओनली जेड एक्सिस के रोटेशनल ऐसा डाल सकते हो, लेकिन इसमें मत डाल क्योंकि ओनली वाला वर्ड नहीं आया, किसी ने दो है तो यहाँ पे ओनली की जगह पे या तो बोथ डाल सकते हो, बोथ बोथ माने होता है दो, ठीक है बी ओ टी एच बोथ लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी। या तो देखो इसमें पूछे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द करेक्टर टेबल फॉर सी टू बी, या सी टू बी नहीं दिया तो एच टू ओ बोल देगा या वाटर मॉलिक्यूल बोल देगा, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द करेक्टर या क्या बोलेगा, प्रिपेयर द करेक्टर टेबल ऑफ सी थ्री बी या फिर अमोनिया या फिर एन एच थ्री, क्लियर है? यही दो क्वेश्चन आएंगे, तो सी थ्री का करेक्टर टेबल बना करके देख लेते हैं। चलो चलो हो गया तो बेटा करेक्टर टेबल ऑफ अमोनिया, ठीक है? बोलो तो अमोनिया का क्या होता है? तो सी थ्री बी होता है। सी थ्री बी को कैसे हम लोग दिखाते थे? ई टू सी थ्री सिग्मा बी, बोलो कौन बोला थ्री सिग्मा थ्री, ये दिखाते हैं, ठीक है? क्लास कितना, ऑर्डर कितना, ऑर्डर इज इक्वल टू होता है, याद दिला देता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है? क्लास क्या होता है? तो जितने बार उसको लिखते हैं उस ऑपरेशन को, उसको बोलते हैं उसका क्लास। बोलो क्लास कितना, अंधे फैरे काढ़े लोग, ये देखो तीन बार लिखा उसको, क्लास कितना तीन, ऑर्डर कितना एक ऑपरेशन दो तीन चार पांच छह, समझ में? ऑर्डर होगा इसका छह, क्लास होगा इसका तीन, ठीक है? करेक्टर टेबल बनाते हो तो क्या बोलते हो, जितने, पहला रूल उसका, पहला रूल क्या कहता है, खोलो खोलो सामने का, करेक्टर टेबल बनाने जा रहे हो ना, पहला रूल अप्लाई करो, जितने क्लास होंगे उतने ही रिसीवर रिप्रेजेंटेशन बनेंगे, पहला रूल, ठीक है? तो रूल नंबर वन में क्या लिखे हो, क्लास इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, ये लिखे हो? तो देखो इसके लिए फिर हो जाएगा ऐसा, ई टू सी थ्री थ्री सिग्मा वी, एक दो तीन, तीन क्लास है इसलिए तीन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनेगी। किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है तो बताओ, तीन ही क्यों बने? क्योंकि पहला रूल कहता है, क्या कहता है, कि जिसमें जितने क्लास होंगे उतने ही उसके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बने, पहला, क्लियर है? अब तीन क्लास बने हैं तो इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, देखो के वन के टू के थ्री, एल वन एल टू एल थ्री, M1, M2, M, लिख सकते हो? चलो दूसरा रूल, रूल नंबर टू क्या बताता है,
डायमेंशन को बताता है। डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन ऑर्डर, ऑर्डर के बराबर होता है। तो डायमेंशन में क्या बोले थे? उसका डायमेंशन के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ऑर्डर बोले थे। तो देखो डायमेंशन कौन सा है? ये वाला के वन का स्क्वायर प्लस एन वन का स्क्वायर प्लस एम वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर। कितना? ठीक है, तो इसको छह लाओ। छह लाना है, ठीक है। देखो तो वन दो दो कर दी, दो दो ने चार, दो ने आठ आ जाएगा। दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना है? तो ये देखो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है? एक एक कम एक धन चार बराबर छह। तो इस रूल के तहत इनका वैल्यू आ गया है वन वन टू। क्या आया? वन वन टू। इसमें बोले थे यह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, दूसरा देखो। इसमें ध्यान दो, तो इसको जब लाए थे, इसको लाए थे, याद है? इधर देख लो एक बार, नया चीज बताने जा रहा हूं जो कल नहीं बताया था। ये लाए थे, इसका बोले थे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, ये बोले थे। ठीक है, इसमें एक चीज इंक्लूड करो, ये कितना है? ऑपरेशन वन है, एक तो ये होगा वन इंटू वन का स्क्वायर। इस बार देखो टू है, हाँ वन इंटू वन का स्क्वायर। ठीक है, एक गुणित एक धन एक गुणित एक धन एक गुणित एक धन एक गुणित एक बराबर चार। एक एक धन एक धन एक धन एक बराबर चार। ठीक है, समझ में आया? अब यहां जो नंबर देंगे वो यहां पे देखो चेंज होगा, समझ में? तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसके जो टोटल ऑपरेशन होगा उसके नंबर को भी उसके साथ इंक्लूड कर, जिसका जितना हो। क्लियर है? तो इसलिए यहां पे रूल नंबर थ्री में, रूल नंबर थ्री में क्या लिखेंगे? वो रूल नंबर थ्री ऐसा था रियल, लेकिन ये है कि उसको वहां एक था तो इसलिए उसको नहीं बताया गया। अब वो बताया जा रहा है कि क्या होगा, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो इसके लिए देखो ये क्या है, K1 का स्क्वायर इनटू 1 और C3V, ओनली C3V ना, ध्यान रखो। ठीक है, प्लस क्या लिखोगे? 2 इनटू K2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू K3 का स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू ऑर्डर। ऑर्डर बोले थे ना, तो इज आल्सो इक्वल टू ऑर्डर। बोलो समझ में आएगी? ठीक है, तो अब यहां पे देखो तो इसमें वैल्यू क्या रखूंगा, तो ये इतना आएगा। देखो तो 1 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 6 आएगा।
देखो कैसे एक एक कम एक हो गया, एक एक कम एक दोने दो धन, एक एक कम एक किया समझ में आया। इसलिए यहाँ जो वैल्यू होगा वो वन, बोलो समझ में आया कि नहीं। ठीक है तो देखो दैट इज आल्सो इक्वल टू सिक्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू सिक्स, ये भी सिक्स होना चाहिए, ये भी सिक्स होना चाहिए। ठीक है साथ में ये भी सिक्स और ये भी सिक्स, कल बताया था उसके लिए चार हो रहा था तो चार लाना था, इसके लिए छह हो रहा है इसलिए छह लाना। सिक्स नहीं आया देखो जी रामायण पूरा देख लिए, सीता और राम कौन है तो भाई बहन क्या किया हूँ इसको देखो, वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर कितना आएगा, दो दोने चार, एक एक कम एक, एक एक कम एक, तो ऐसे में तो ये तो तीन आ रहा है, इसको छह लिखा था तो इसको क्यों नहीं बोल। हाँ जो चीज है ये देखो रूल इसीलिए पहले पढ़ा दिया गया, ठीक है रूल में करना है इसका स्क्वायर का सम, ये बोले डायगोनल के स्क्वायर का सम वह ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, क्लियर है। और इसमें क्या है तो इसमें रिड्यूसिबल वन के ऑर्डर सॉरी के क्या है ये डायगोनल बोलेंगे इसको, आई आर का जो वैल्यू है उसके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन के साथ हाँ का इंटू करेंगे तो वह क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, ऑर्डर के बराबर आएगा, क्लियर है। इतना क्लियर हो गया तो इतना ले आए। अब देखो तीसरा रूल लिख लिए, चौथा रूल क्या कहता है, एनी टू आई आर मतलब एनी टू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे का ऑर्थोगोनल होगा, यही देखे थे। चलो ले आप इसको मिटाऊं, हाँ। तो देखो तो रूल नंबर फोर कहा गया था, फोर नंबर आई आर वन इज ऑर्थोगोनल टू आई आर टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यही था। तो यहाँ पे आई आर वन दिया हुआ है, देखो तो आई आर वन कितना है, वन इंटू सॉरी वन प्लस वन प्लस वन ये दिया है, आई आर टू देखिए तो ये देखो तो वन दिया हुआ है एल टू प्लस एल थ्री ये था। अब सीधा सीधा आई आर वन इंटू आई आर टू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, वन इंटू वन प्लस वन इंटू एल टू प्लस वन वन इंटू एल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, होना चाहिए ना। चलो बताओ एक एक काम एक, ये तो ठीक है हो गया। अब देखो इसको जीरो लाने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या भरूं तो वो जीरो आए, एल टू का वैल्यू बोलो तो ठीक है, इसमें एक चीज भूल रहे हो, एक चीज और आएगा, क्या आएगा ऊपर में देखो होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, कहाँ पे लिखोगे इसको, तो इसके साथ एक बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो ये वाला देखो वन से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टू से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला थ्री से मल्टीप्लाई। चलो बोलो तो क्या क्या लिखेंगे, तो क्या क्या आएगा। इसमें प्लस वन, तो देखो एक एकम एक और एक दो प्लस तीन हो जाएगा इसमें जो है, और इसमें माइनस एक रखेंगे तीन एकम तीन, ये माइनस तीन माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। टू हो गया इंटू वन हो गया प्लस थ्री इंटू वन इंटू माइनस देखो हल करके देखो, दो एकम दो एकम दो वन धन दो हो गया प्लस, अब इधर देखो तीन एकम तीन और ये हो गया माइनस थ्री हो गया माइनस थ्री, तो ये क्या होगा जोड़ोगे तो इसको प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री ये होगा। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया इस वैल्यू पर क्या आएगा बोलो। समझ में तीन कहाँ का था ये ऊपर का था ठीक है, और उसके बाद एक कहाँ का था तो ये क्लियर ठीक है। चल अब देखो यहाँ पे चौथे रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसमें और ऑर्थोगोनल कर सकते हैं। क्या करेंगे ऑर्थोगोनल ठीक है, चलो करो ऑर्थोगोनल। क्या करोगे आई आर वन इंटू आई आर थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है चलो कर देते हैं, ये नीचे में डालो ये वाला हो गया। चलो इसके लिए क्या लिखूंगा ये देखो, तो इसके लिए लिखूंगा मैं आई आर वन है इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन हो गया, आई आर थ्री इज इक्वल टू टू प्लस एम टू प्लस एम थ्री हो गया। इसको इसके जैसा ऑपरेशन दूंगा तो ऑपरेशन दूंगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आई आर वन इंटू आई आर थ्री इज इक्वल टू ठीक है वन इंटू टू इंटू ये ऊपर का हो गया प्लस क्या लिखोगे टू ऊपर का इंटू वन ये वाला इंटू एम टू वन टू क्या वन टू कर रहे हैं। चलो इसके बाद देखो प्लस ऊपर का थ्री इंटू वन हो गया इंटू ठीक है अब बताओ मेरे को ये वाला तो हल हो गया, देखो इसका कितना आ रहा है दो धन, इसका देखोगे तो दो एकम दो एम टू एम आ रहा है टू एम टू, और इसका देखो तो थ्री एम टू और ये इक्वल टू जीरो हो रहा है
करो जीरो। एम टू की जगह पे क्या रखूंगा तो जीरो होगा, और एम थ्री की जगह पे क्या रखूंगा तो जीरो। अरे देखो दोस्त, ये कुछ समीकरण बना है क्या ही? बोलो 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 जल्दी। टू प्लस टू इंटू टू और यहाँ पर रहेगा तीन दो छह और यहाँ पर टू रहेगा तीन दो छह और माइनस टू रहेगा फिर छह और छह जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर m का मान दो रखेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ये थ्री और इसके बाद इसका इंटू माइनस टू और ये दो चार सॉरी प्लस है ना ये दो और दो चार वैसे होता है। पहले गुणा करो ना उसको, चार बने आठ, हाँ हाँ चार माइनस छह फिर प्लस और ये माइनस छह प्लस माइनस कैंसिल इक्वल टू जीरो। ठीक है चलो, यहाँ पे क्या क्या आया ये दिखा, ये टू ला रहे होंगे यहाँ पे माइनस ऑपरेशन के बेसिस पे सही है। हमको क्या ला सकते हैं तो ये ला सकते हैं, क्लियर है। दूसरा ये भी ला सकते हो, देखो तो ये लिखे हो ये तो ठीक है, इसमें सब टू टू आ गया, टू डायमेंशनल हो गए, इतना तो पक्का हो गया कि ई होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये भी रख सकते हो, देखो इसको माइनस वन रख दो तो इसको जीरो रख दो, देखो तो ये क्या किया, देखो माइनस वन हो गया और इसको कर दिए जीरो, ठीक है। दो प्लस में ये वाला सॉरी टू इंटू माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा जीरो। बोलो ठीक है, तो बुक में किसको दिया जाता है नीचे वाले ऊपर वाले से भी देखो सही आंसर ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्रिएट होगा कि वहां पे माइनस क्यों आएगा कि टू आएगा, वो ये देखो दो यार हमारे पास बने ये वाला हो गया ना हाँ। तो देखो इसको देखो जो बोला गया उसको देखो वन वन टू वन वन और यहाँ पे क्या डाल रहा हूं मैं माइनस वन डाला मैं और इसमें एक जगह पे डाल देते हैं टू भी और उसके बाद है वन माइनस वन और है जीरो, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ठीक है तो ये वाला हो गया है क्या। ये देखो यहाँ है ई टू सी थ्री थ्री सी थ्री सिग्मा थ्री, ठीक है। इसमें क्या था, वन था वन इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू सॉरी वन इंटू टू का स्क्वायर क्या होगा बोलो तो
वन प्लस वन प्लस टू फोर फोर कहां से दो दो नहीं चार इक्वल टू ऑर्डर के बराबर है। दूसरा वाला देखो तो ये वाला तो देखो टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर ठीक है क्या होगा दो दो प्लस दो प्लस हाँ प्लस प्लस होगा ना स्क्वायर है ना तो क्या हो गया सिक्स तो ये सही है माइनस वन पता चला। अगर वहां पे टू रखता दो का स्क्वायर तो देखो दो दोने चार चार दोने आठ कितना हो गया आठ चार बारह जो कि समझ में तो आंसर क्या आएगा ये समझ में आ गया क्या आएगा माइनस वन ठीक तो ये वाला खत्म ठीक। अगला वाला देखो अगले वाला के लिए क्या लिखोगे तो वन सॉरी थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर ठीक है थ्री प्लस थ्री प्लस जीरो इक्वल टू बोलो ठीक सब तरफ से सही इधर से भी इसको करो इधर से देखो ये तो चेक कर लिए ये भी चेक कर लिए हम लोग छह आ रहा है पहला दूसरा वाला देख लो तो इसका देखो क्या होगा वन इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर ठीक है बोलो क्या होगा हाँ वन होगा प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स समझ में इसको चेक कर लो तो टू सॉरी वन इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर बोलो तो दो दो ने चार धन दो धन जीरो बराबर ठीक सब तरफ से सही आया मतलब वहां पे क्या होगा जीरो होगा ठीक है कहां पे यहाँ पे माइनस टू नहीं हो ठीक है चलो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं ये होता है दोनों सही आ रहा है क्योंकि देखो जो कॉन्सेप्ट लगा है उसके बेसिस पे दोनों सही है लेकिन ये है कि उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए सिक्स होना चाहिए ऑर्डर के बराबर होना चाहिए तब के कंडीशन में फिर ये टू टू वाला क्या हो गया हो गया आगे बढ़े हो गया खींच लो जल्दी से फिर देखो कॉलम टू तैयार हो गया हम लोग का ठीक है बना क्या रहे हैं करेक्टर टेबल ये वैल्यू आ गया अब इस वैल्यू को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ देखो तो ये माइनस वन और ये जीरो ठीक है बाकी को मैं सब को मिटाऊंगा बस इसी को रखकर ये इतना हो गया हमारा कॉलम टू अब कॉलम टू के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे कॉलम वन ठीक है मिटा दूं इधर को हो गया कि नहीं उधर को मिटा दूं कि यहीं से मिटा दूं इसी से मिटा चलो अब कॉलम टू कॉलम वन पे चले आओ कॉलम वन बोलो कॉलम वन के लिए क्या करेंगे बोलो तो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस अगर सिमेट्रिक है तो ए प्रिंसिपल एक्सिस एंटी सिमेट्रिक है तो बी बोलो ई होगा ई क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे देखो पहले डायमेंशन को देखना है
टू लिखा हुआ है, टू डायमेंशन है इसलिए ई होगा। और अगर एक बार ई लिख दिए तो उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है उसको नहीं देंगे। बोलो क्लियर है ये चीज? तो आ गया ए बी ई। चलो इसके बाद बोलो तो इसमें और क्या क्या डाल सकते हो? क्या क्या बेस था? दूसरा बेस था जी और यू। जी और यू किस बेसिस पे डालते? आई के बेसिस पे। आई है क्या? इन्वर्जन सेंटर है? नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। तो आई अब्सेंट। कौन सा मैंने सुना? नहीं मैंने। ये? अब ये क्या है? तो प्लस वन है तो ए होना चाहिए। हाँ ए है। कोई तो देखा? बाकी लोग तो सो रहे हैं। अच्छा लिख रहे थे, बोल रहे थे लेकिन लिख रहे उसको ही देख रहे। चलो ठीक है। ए ए और ई क्लियर है कि? चलो देखो किस बेसिस पे देखे हम लोग? आई के बेसिस पर। आई अब्सेंट है दूसरा रूल में, तो आई नहीं है मतलब हम इस पर जी और यू नहीं देंगे, है ना? आगे देखो, उसके बाद देखे थे सुपर स्क्रिप्ट, देखे थे कॉमा मतलब प्राइम और डबल प्राइम। किस बेसिस पर देखे थे? सिग्मा एच के बेसिस पर देखे। नहीं है सिग्मा एच, नहीं देखे प्राइम। चलो आगे बढ़ो, उसके बाद देखे थे वन और टू, है ना? वन और टू लिखना तो एन सी टू के बेसिस पर। तो देखो तो एन सी टू है क्या यहाँ? नहीं है। तो क्या बोले थे? एन सी टू नहीं है, कोई बात नहीं, एन सी टू नहीं है तो एन सिग्मा वी के बेसिस पर देखे। क्लियर है? तो देखो एन सिग्मा वी सिमेट्रिक है, क्या होगा? वन। एंटी सिमेट्रिक है, अब ना तो सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है तो कुछ नहीं देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो वहां पे अब जीरो है तो जीरो नहीं दे देंगे, ये ध्यान रखना है ना, मतलब वहां पे कुछ नहीं है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट कॉलम पे है, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम वन। अब चलते हैं कॉलम थ्री और कॉलम इस पर। कॉलम थ्री बोलो ये क्या दिखाता है? कॉलम थ्री ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा आता है उस चीज को, ठीक है? तो कहाँ है वो जो अमोनिया? कौन सा प्राइम ग्रुप होता है अमोनिया में? सी थ्री बी। सब का दिया है सी थ्री बी का भी दिया होगा। चलो ठीक है, तो देखो सी थ्री बी में यहां पे आता है वैल्यू जे आर जे, और इसमें आता है एक्स वाई एंड आता है आर एक्स और है आर वाई। थर्ड कॉलम बोलो क्या बोलोगे? ए वन के लिए जेड एक्सिस के लिए ओनली ट्रांसलेट जेड एक्सिस, ए वन के लिए जेड एक्सिस पर ट्रांसलेशनल एनर्जी में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होता है, ठीक। दूसरा ए टू के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे? ए टू के लिए ओनली जेड एक्सिस पर रोटेशनल एनर्जी का सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ई के लिए क्या बोलोगे? बोलो एक्स एंड वाई एक्सिस के ट्रांसलेशनल एनर्जी में चेंज होगा, में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड उसके साथ साथ एक्स रोटेशनल और वाई रोटेशनल एक्सिस के रोटेशनल एनर्जी में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो ये हो गया कॉलम नंबर, कॉलम नंबर था।
फोर्थ, तो फोर्थ का देखो फोर्थ में लिखा हुआ मिलेगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन जेड स्क्वायर, ये पहले वाले में ठीक है, और दूसरे वाला में कहा है ये मिलता है, इसमें कुछ नहीं रहा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और है एक्स जेड, बोलो इसको क्या बोलना पसंद है, ये तो मजा देगा सब, इधर से मिटा देता हूँ, ये काम नहीं है जिसका, ठीक चलो बोलो क्या बोलोगे, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई एक हो गए ठीक, दूसरा देखो कैसे z इंटू z या फिर z स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोल सकते ठीक है, चलो बोलो a1 के लिए x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई आर आर वन डाल देता हूं आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा ठीक है, इसके साथ साथ देखो जेड भी है ना तो उसके साथ साथ जोड़ देना, उसके साथ साथ क्या बोलोगे जेड इंटू जेड या जेड स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्लियर है, इतना वर्ड इसके लिए, बी टू के लिए ए टू के लिए बोलो हाँ कुछ नहीं है क्या बोलो उसी को बोलो बोलो ए टू के लिए किसी भी प्रकार के एक्सिस पर क्वाड्रेटिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर चलो इसके लिए बोलो ये लिखोगे x इंटू एक्स माइनस y इंटू वाई या फिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया, और इधर x इंटू वाई और है y इंटू z और है x इंटू z ठीक है, तो इसमें बोलो क्या बोलोगे e के लिए बोलो क्या बोलोगे x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके साथ साथ एक्स इंटू वाई वाई इंटू जेड जेड इंटू देखो जेड बोलो तुम लोग भी जेड बोलो एक्स इंटू जेड के क्वाड्रेटिक फंक्शन में सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्टर टेबल ऑफ अमोनिया, जितना बोले उसको उसको लिखना पड़ेगा उसमें पेपर में भी तुम्हारे नोट समय, क्योंकि ये लिख दोगे तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन तो हो जा रहा है लेकिन ये है कि तुमको पेज भी भरना है तो उसको इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना, जैसे उसमें लिखा है ना थर्ड कॉलम के लिए तो थर्ड कॉलम में इतने दूर तक बनाए रहना इसको छोड़ दिया ठीक, इसमें लिखोगे कि ए वन के लिए किस एक्सिस पर ऐसा ऐसा होता है, ए टू के लिए ऐसा ऐसा होता है, ए थ्री के लिए ऐसा 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 होता है, हो गया खत्म, उसके बाद कॉलम फोर, कॉलम फोर में आओगे तो उसमें लिखोगे कि यह किसको दिखाता है, तो किसको दिखाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को किसका क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो एक्स वाई जेड के क्वाड्रेटिक फंक्शन को दिखाता है ठीक है, उसके बाद फिर लिखना शुरू करोगे कि ए वन के लिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके साथ साथ जेड स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वैसे ही ये, और इस पर ए टू के लिए किसी भी प्रकार के जो एक्सिस है उनके क्वाड्रेटिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बीच वाले नीचे वाला ऐसा बोलो क्लियर है ठीक, इतना में हो गया तुम लोग का करेक्टर टेबल, कितना टाइम
एक कौन सी चलो आगे पढ़ देखते हैं। इसमें देखो क्या क्या बचा है, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है, कल डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, कंजुगेशन रिलेशन एंड क्लासेस, ये भी है उसी में। उसके बाद है स्कोलीफिल्स सिंबल्स, देखो स्कोलीफिल्स सिंबल्स जो है वो पढ़ चुके हो तुम लोग, स्कोलीफिल्स सिंबल तुम लोग पढ़ चुके हो, पढ़े हो, कौन सा है, पॉइंट ग्रुप पढ़े थे, वही है स्कोलीफिल्स सिंबल्स। लेकिन उसको क्या करना है, उसको अब एक साइंटिस्ट था स्कोलीफाइंस नाम का कोई साइंटिस्ट था, वो क्या किया था, ये सब जो था उसको एक साथ फ्लो चार्ट जैसा बना दिया, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, फिर उसमें आगे आ गए, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा कर फ्लो चार्ट, बस उसको सिर्फ फ्लो चार्ट में पढ़ना है, तो वो फ्लो चार्ट कल देख लेंगे, ये देख के देखना, अगर बन जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे इसको, फिर ये ऐसा नहीं बनेगा, इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं है तुम लोगों से। ठीक है, ध्यान रहता लोग, कोई कोई लाया के लिए, हाँ पीपीटी ये कॉलम वन, कॉलम वन के लिए वो रूल लगाया है, ये ऐसा ऐसा वाला, ये वाला है ना, खाली वाला, ये खाली ए टू के लिए, क्या लिखोगे, ए टू के लिए किसी भी एक्सिस के, किसी भी एक्सिस के क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन में किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, हाँ तुम आओगे डेली की कैसे, हाँ तुम कल जमा करना, ठीक, और बाकी सब पुराने ही, किसी का बजट कुछ आ चुके, किसी का बजट कुछ, चलो उसको यज्ञसेनी 300 दिए थे, 300 जमा किए थे, और इसका हीरा मंदिर 300 जमा किए, मतलब 3-3-6 जमा किए, 14 जमा किए, इसको पूरा पूरा जमा कर दे रहे हो, अगले बार पढ़ोगे ना, हाँ या पीपीटी का जैसा है उसमें काटो में बढ़ोगे तो बन जाए, ठीक, तो आज तारीख बोलो तो 3 और 1। अरे कुछ नहीं होता।